नमस्कार। बच्चों का टिफ़िन कैसा हो? एक बार मैं रेसेस के जस्ट बाद जैसे ही बाहर निकला तो एक छोटे बच्चे ने आके मुझसे कहा, सर भूख लग रही है। मैं छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता हूँ, तो छोटे बच्चे मुझसे मिलते जुलते रहते हैं। तो मैंने कहा, क्यों आज टिफ़िन नहीं लाए थे? बोले, सर लाए थे, खा लिया लेकिन भूख लग रही है। अगले दिन मैंने जो स्पेशली छोटी क्लासेस के टीचर्स थे उन सबसे कहा कि सारे बच्चों के आज लंच से पहले टिफ़िन चेक करने। तो सारे बच्चों के टिफ़िन चेक किए गए, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोच नहीं सकता था, कई टिफ़िन में भोजन नहीं था, बच्चों के टिफ़िन में खाना ही नहीं था। कुछ में रेडीमेड फूड थे, जंक फूड थे, यहाँ तक तो ठीक है। कुछ टिफ़िन में पार्ले जी वाला बिस्किट जो छोटा आता है वो एक पैकेट रखा हुआ था टिफ़िन में। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे चौंकाने वाली थी, आश्चर्यचकित करने वाली थी, मैं आज तक मुझे उस चीज़ का आश्चर्य हो रहा है, एक बच्चे के टिफ़िन में सिर्फ एक अचार का टुकड़ा रखा था, एक अचार का पीस रखा था टिफ़िन में, कुछ नहीं था उसके अलावा। तो मैं हैरान रह गया। होता क्या है जनरली कि ज़्यादातर बच्चे कन्वेंस से आते हैं, और कन्वेंस में जो गाड़ियाँ होती हैं वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आती है। तो कुछ बच्चों की जो माँ होती हैं उनके पास समय नहीं होता है, या सुबह जैसे तैयार नहीं हो पाया, तो फिर वो जल्दबाजी में टिफ़िन को तैयार करती हैं। अब आप विचार करिए, होता क्या है, गाड़ी सुबह जल्दी आती है तो बच्चों की पहले से ही ब्रेकफास्ट करने की कोई मेंटेलिटी नहीं होती, उनका पहले से ही पेट ठीक से साफ नहीं होता है, उनको भूख लगती नहीं, तो वो ब्रेकफास्ट तो करते ही नहीं है, या फिर अनमने मन से करते हैं। उसके बाद जो कुछ फोकस हो जाता है वो हो जाता है टिफ़िन पर। अब टिफ़िन में आप ऐसी चीज़ें रख देते हैं, तो टिफ़िन में क्या करें, कोशिश करें कि पौष्टिक भोजन हो, एक बात। दूसरी बात, आपका रेडीमेड हो। शॉर्टकट देख लेते हैं, शॉर्टकट में जनरली ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गए, और कुछ तो पिज्ज़ा बर्गर का कुछ पीस रख दिया, ये चीज़ ना रखें। कोशिश करें कि चाहे रोटी हो सब्जी हो वो काफ़ी है। और अब मैं ये कह दूं कि सब अंकुरित करके भेज दो, तो ये तो मैं भी समझता हूँ अंकुरित सबसे अच्छा है पौष्टिक, लेकिन बच्चे खाएंगे ही नहीं उसको, तो वो तो मैं नहीं प्रेस्क्राइब करूँगा। कोशिश करिए कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ आपको बिस्किट रखने पड़े, अचार रखने पड़े, तो उसकी जगह आप फ्रूट्स को भेजिए, ड्राई फ्रूट्स को रख दीजिए, तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यदि हम लोग अपने उदाहरण दें, तो उससे पहले मैं अमलिंद कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ, और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। मैं बच्चों से रिलेटेड वीडियोस ही अब डालता हूँ। शुरू में मैंने अपने वीडियो अपने इस चैनल पर बहुत सारी मिक्सिंग कर दी थी, अलग अलग तरह के वीडियो डाले थे, लेकिन अब मैं केवल बच्चों से रिलेटेड डालता हूँ। तो आप ताज्जुब करेंगे, जिस लोकेलिटी में हम स्कूल चलाते हैं, छोटी जगह है, ग्रामीण क्षेत्र है, मिडिल स्टैंडर्ड का स्कूल है, हाई स्कूल तक है हमारा, तो हमारे यहाँ तो गार्जियंस मना करने के बावजूद भी टिफ़िन बच्चों की क्लास में देने चले जाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब स्कूल में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, लेकिन ये सच है, देने चले जाते हैं, पियोन्स के साथ झगड़ा करते हैं। उनमें कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि हम वहीं के लोकल के हैं, वहीं स्कूल है। तो आप कल्पना करिए कि टिफ़िन एक कितना बड़ा मुद्दा है। हमने अपने जहाँ पे एंट्रेंस है वहाँ लिख रखा है कि भाई टिफ़िन यहाँ जमा करें, इसके बावजूद भी गार्जियंस मानते नहीं हैं। टिफ़िन पे मैं ये चाहूँगा सभी बच्चों की मम्मियाँ ध्यान दें, ये बहुत आवश्यक है कि टिफ़िन को आप पौष्टिक रूप से भेजें, और खाना इतना तो भेजें, जैसे कि उस छोटे बच्चे ने मुझसे शिकायत की कि सर भूख लग रही है, कि बच्चों का पेट भर जाए। और यदि एक आध रोटी बच भी जाती है, कुछ फूड मटेरियल बच जाता है, एडिबल थिंग्स कुछ बच जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम ना पड़े इसका ध्यान रखें। थैंक यू।